बचपन से अक्सर हम शनि देवता के बारे में सुनते आए हैं कि अगर उनकी टेढ़ी नजर किसी इंसान पर पड़ गई तो उसके बुरे दिन शुरू हो जाते हैं, उसके जीवन में आर्थिक, मानसिक और शारीरिक परेशानियां आने लगती हैं। लेकिन क्या आप उस शनि ग्रह के बारे में जानते हैं जो ऊपर आसमान में चमकता रहता है? इस ग्रह के चारों ओर पाए जाने वाले रिंग सिस्टम के कारण ही इसे सौरमंडल का सबसे आकर्षित ग्रह कहा जाता है। यूं तो यह सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, लेकिन पृथ्वी से 9 गुना बड़े इस ग्रह को एक गैस दानव कहा जाता है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर इस ग्रह पर इंसान क्यों नहीं रह सकते हैं। शनि ग्रह पर 1800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलती हैं। यह पृथ्वी पर चलने वाली हवाओं से 5 गुना अधिक तेज हैं। ऐसे में यहां इंसानों का रह पाना लगभग नामुमकिन है। शनि ग्रह का औसत तापमान -178 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। ऐसे में यहाँ इंसान बसने की सोच भी नहीं सकता। शनि उन 5 ग्रहों में से एक है जिसे नग्न आंखों से देखा जा सकता है। यह सौरमंडल की 5वीं सबसे चमकीली वस्तु भी है। शनि ग्रह का वायुमंडल लगभग 96% हाइड्रोजन और 4% हीलियम से बना है, जिसमें अमोनिया, एसिटिलीन, इथेन, फॉस्फीन और मीथेन जैसी गैस भी पाई जाती हैं। शनि ग्रह को सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में 29.4 पृथ्वी वर्ष लगते हैं। यहाँ दिन छोटे होते हैं और पृथ्वी पर इसकी तुलना में वर्ष लंबे होते हैं। शनि ग्रह का चुंबकीय क्षेत्र बेहद ही शक्तिशाली है। इसका चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की तुलना में 578 गुना अधिक शक्तिशाली है। इस ग्रह पर पाई जाने वाली ऋतुएं शनि ग्रह की स्वयं उत्पन्न की गई गर्मी से बदलती हैं। इस ग्रह का मौसम सूर्य पर निर्भर नहीं करता। अब तक कुल 4 अंतरिक्ष यान शनि का दौरा कर चुके हैं। ये हैं पायोनियर 11, वोएजर 1, वोएजर 2 और कैसिनी। कैसिनी ने 1 जुलाई 2004 को शनि की कक्षा में प्रवेश किया था। शनि ग्रह का आंतरिक भाग बहुत गर्म है। इसका तापमान 11700 डिग्री सेल्सियस तक के स्तर को आसानी से पार कर लेता है। हीलियम के छींटों के साथ इसका हाइड्रोजन का वातावरण इसे हमारे अपने ग्रह का केवल 95 गुना द्रव्यमान देता है, जो इसे सभी ग्रहों में सबसे कम घना बनाता है। इतना हल्का वास्तव में कि यह शनि के आकार के समुद्र में तैर सकता है। शनि के वायुमंडल में उच्च सल्फर के निशान ग्रह को एक नारंगी रंग देते हैं, जिसमें अमोनिया और पानी के बर्फ के बादल राक्षसी तूफानों में गहराई से उठते हैं, जिससे इसके बादलों के शीर्ष पर सफेद रंग की धारियां जुड़ जाती हैं। शनि बृहस्पति की धब्बेदार धारियों या उसके विशाल गुलाबी रंग के तूफान जितना चमकदार नहीं है, फिर भी शनि के पास अपने स्वयं के कुछ छिपे हुए मौसम संबंधी चमत्कार हैं। 1610 में गैलीलियो द्वारा देखे जाने पर छल्लों को चंद्रमा समझ लिया गया था। डच खगोल शास्त्री क्रिस्टियान ह्यूजेंस ने एक अधिक शक्तिशाली दूरबीन का उपयोग करते हुए शनि के छल्लों को वैसा ही देखा जैसा वे 1659 में थे। 7 प्रमुख छल्लों में विभाजित करते हैं, जिन्हें डी सी लेबल किया गया है। दूसरे छल्लों को बी, एफ, जी और ई नाम दिया गया है। शनि के छल्ले बर्फ और चट्टान के टुकड़ों से बने हैं, जिनका आकार एक कण से लेकर एक बोल्डर तक होता है। खगोल शास्त्री अभी भी इस बात पर बहस करते हैं कि छल्ले कितने पुराने हैं और वे कहां से आए हैं। वलय निर्माण के प्रमुख सिद्धांतों में से एक से पता चलता है कि वलय सामग्री शनि के शुरुआती चंद्रमाओं से आई थी, जो आपसी टकराव से नष्ट हो गए थे, या स्वयं शनि द्वारा भी, यदि चंद्रमा सर्पिलाकार रूप से ग्रह के बहुत करीब आ गया हो, जैसा कि लंबे समय से संदेह था। और हाल ही में कैसिनी अंतरिक्ष यान द्वारा इसकी पुष्टि की गई है। आंतरिक्ष छल्लों की सामग्री शनि पर गिरती रहती है। रिंग रेन इसलिए होती है क्योंकि रिंग के कुछ सबसे छोटे कण विद्युत आवेशित हो जाते हैं और फिर शनि की चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के साथ ग्रह में चले जाते हैं। यदि वलय वर्तमान दर से सामग्री खोना जारी रखते हैं तो वे अगले 100 से 300 मिलियन वर्षों में पूरी तरह से गायब हो जाएंगे और शनि वलयहीन हो जाएगा। दिलचस्प बात यह है कि समय के साथ छल्लों का दृश्य बदलता रहता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पृथ्वी पर एक पर्यवेक्षक शनि को विभिन्न कोणों से देखता है। जब छल्ले पृथ्वी की ओर मुड़ते हैं तो उन्हें देखना आसान हो जाता है। दूसरी ओर जब हम शनि के छल्लों को किनारे से देखते हैं
तो वे हमारी दृष्टि से लगभग गायब हो जाते हैं। आध्यात्मिक तौर पर कहा जाता है कि शनि के अंदर ही इतना अधिक परिवर्तन होता रहता है कि वो कभी खुश तो कभी नाराज हो जाते हैं और उसका असर इंसानों पर पड़ता है। कुछ ग्रहों के साथ उनका मित्रता वाला व्यवहार होता है तो कुछ के साथ नाराजगी बनी रहती है। वैसे दोस्तों, आपको शनि ग्रह के बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को एक लाइक जरूर करें। और हाँ, हम फिर मिलेंगे ऐसी ही मजेदार वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।